वेलकम बर वीडियो दिस वीडियो इज़ अबाउट मेन मास्टर प्लान ऑफ गुलबाग ग्रीनस और गुलबाग ग्रीनस की ओवरऑल मैं आपको जो चंद चीज़ें एक्सप्ल करूँगा नंबर वन लोकेशन फ्रॉम द डिस्टेंस लोकेशन फ्राम द जीरो पॉइंट नंबर टू कि इसमें गुलबाग ग्रीन में ओवरऑल कौन से ब्लॉक में किस साइज़ के किस कैटेगरी के प्लाट्स हैं और आपको गुलबाग ग्रीन के जो मास्टर प्लान है उसकी मदद से एक्सप्ल करने की कोशिश करूँगा ये ओवरऑल तमाम गुलबा ग्रीनस के जो मिक्स ब्लॉग्स हैं उनके हाले से वीडियो है इन शाला आने वाले दिनों में मैं इसको ब्लॉग टू तो ब्लॉग सेपरेटली वीडियोज बना के आपको डिटेल्स एक्सप्लेन कर दूंगा तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले देखते हैं जी गुलबा ग्रीनस का डिस्टेंस जीरो पॉइंट से क्या है ये मैंने आपके सामने कैबी डिस्टेंस कैलकुलेटर निकाल लिया है और इस पर देखते हैं जी ओवरऑल डिस्टेंस ये जी गुलबा की मेन इंटरचेंज है जो जहाँ से स्टार्ट होता है गुलबा का और ओवरऑल ये ज़ीरो पॉइंट है डिस्टेंस बनता है ट्वेल्व पॉइंट सेवन सिक्स किलोमीटर और 12.76 किलोमीटर इज़ नॉट अ बिग डील जब इस्लामाबाद हाईवे सिग्नल फ्री हो गुलबों ने इनफैक्ट जो अपना आ, मास्टर प्लान निकाला था उसमें ये डिटेल्स मेंशन की थी कि ओवरऑल डिस्टेंस गुलबाग का जीरो पॉइंट से टेल्ल पॉइंट फाइव टोल्व पॉइंट फाइव ट्व पॉइंट सेवन फाइव इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल लेकिन डिस्टेंस जो था गुलब सा ट्वेल्व पॉइंट सेवन फाइव बनता है गूगल लोकेशन पर और ओवरऑल इसका अगर हम काउंट करें कि इस्लामाबाद हाईवे से टाइम कितना लगता है तो हार्डली डिस्टेंस जो लगता है वो लगता है फाइव टू सेवन मिनट्स का क्योंकि इस्लामाबाद हाईवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता जीरो पॉइंट तक जाने का आप देखते हैं जी के अंदर जो मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है उससे जो मेन एंट्रेंस का डिस्टेंस जो सबसे पहला ब्लॉक स्टार्ट होता है वो है एक्जैक्टि ब्लॉक जहाँ पे डिस्टेंस जो बनता है उसका वो बनता है आपका जी मेन इस्लामाबाद से अंदर आने के बाद हाईवे से अंदर आने के बाद 1.18 किलोमीटर और अगर हम सेकंड ब्लॉक जो ए ब्लॉक है उसका डिस्टेंस देखें फ्रॉम द मेन अंडर पास तो वन पॉइंट सिक्स फोर किलोमीटर और अगर हम थर्ड यानी कि बी ब्लॉक का डिस्टेंस देखें मेन यही इसी जगह से तो बी ब्लॉक का डिस्टेंस भी सेम स्टार्टिंग बी ब्लॉक का यहाँ से होता है तो डिस्टेंस सेम वही वन पॉइंट सिक्स थ्री किलोमीटर ये ओवरऑल डिस्टेंस की बात होगी आप देख देंगे ओवरऑल ब्लॉक एग्जेक्टिव ब्लॉक ए ब्लॉक बी ब्लॉक में जो प्लाट्स के साइज़ हैं क्या है गुलबाग का ये अंडर पास से आगे गुलबाग के प्रीमियर से स्टार्ट होती हैं और इसमें जितने प्लाट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउसेज हैं जिनका साइज़ बनता है फोर कनाल जो आजकल के हिसाब से तकरीबन फाइव ये है क्योंकि यहाँ पे जो कनाल है वो टू सेवेंटी टू स्क्वेयर फीट वाला मरला है और सिक्स हंड्रेड स्क्वेयर यार्ड का एक कनाल बनता है छः सौ गजा कनाल है और जो पाँच कनाल का प्लाट बनता है वो बनता है फर जो डायमेंशन है ये बनती हैं कि चार कनाल के प्लाट का साइज बनता है हंड्रेड इंटू टू सिक्सटीन ट्वेंटी फोर हंड्रेड स्क्वेयर यार्ड टोटल पाँच नल का साइज बनता है आपका वन टेन इंटू टू फोटी सिक्स थ्री थाउजेंड स्क्येयेर यार्ड इन टोटल और दस कनाल का जो साइज़ बनता है वो बनता है टू हंड्रेड इंटू टू सेवेंटी सिक्स थाउजेंड स्क्र यार्ड इन टोटल और गुलबर्ग में एंटर होने के बाद जो वन पॉइंट वन एट किलोमीटर आप एक्सप्रेस वे से अंदर आते हैं तो सबसे पहले ब्लॉक आता है एक्जैक्टिव ब्लॉक जहाँ पर सिर्फ चार और पाँच कनाल के फार्म फार्माउसेज हैं एक्जैक्टि ब्लॉक के स्टेटस की बात की जाए अगर डेवलपमेंट स्टेटस की तो एग्जैक्टिव ब्लॉक तकरीबन सारा डेवलप्ड है मैं आपको मैं थोड़ा सा ब्लर ब्लर्क दिखाता हूँ अब ये मैंने मैं ट्राई किया कि जो एग्जैक्ट स्टेट कोऑर्डिनेशन है एग्जैक्ट जितनी आ... ओवरऑल मैप पे कोऑर्डिनेशन है उसके हिसाब से हो ताकि हर एक चीज़ अंडरस्टैंड करने में प्रॉपरली आपको हेल्प मिले बेसिकली ये स्टार्ट से लेके एंड तक जितनी वीडियो है वो गूगल अर्थ ही है तो आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी ये सबसे पहले एग्जैक्टिव ब्लॉक का सिविक सेंटर है यहाँ पर सिर्फ कमर्शियल प्लाट है फोर्टी बाई फोर्टी और फोर्टी बाई फिफ्टी और फिफ्टी बाई फिफ्टी यानी कि आप कह लेंगे सात मरला साढ़े आठ मरला और दस मरला के प्लॉट्स और इसके अलावा यहाँ पे चार नाल और पाँच नाल के फार्म हाउसेजन में बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे हैं जिन पे कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है और बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर इन्फेक्ट यहाँ पर हो भी रही है और यहाँ भी इन्फेक्ट हो गई है उसके बाद ये गुलबर्ग में एंटर होने के बाद आता है ये मेन जो आपको रेड कलर का ब्रिज नज़र आ रहा है इस ब्रिज का नाम है कायद आजम ब्रिज और इससे एंटर होने के बाद लेफ्ट साइड पे जो ब्लॉक है उसका नाम है ब्लॉक ए जहाँ पे सिर्फ ये शुरू में जो प्लॉट्स हैं वो वस कनाल के हैं और उसके बाद मेन बुलेवर्ड पर सारा ये कमर्शल है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे कमर्शल प्लाट्स हैं या ये जो पहली बिल्डिंग है ये नाम है इसका गुलबर्ग मॉल ऑफ गुलबर्ग इस्लामाबाद एंड सिग्नेचर लिविंग उसके सामने समामा स्टार गुलबर्ग स्टार स्काई पार्क वन लक्सस मॉल और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई और यहाँ पे दस कनाल के जो प्लॉट्स हैं ये सिर्फ फार्म हाउसेज हैं इनमें तकरीबन ब्लॉक एक अगर डेवलप रेशो की बात की जाए तो आप कह लेंगे ब्लॉक ए में तकरीबन नाइनटी फाइव से हंड्रेड परसेंट ये डिवेल्प रेशो है क्योंकि सारे प्लाट्स ऑलमोस्ट डेवलप्ड हैं इसमें सिर्फ दस कनाल की ये लाइट येलो कलर से दस कनाल के प्लाट्स के लिए है ये जो आपको थोड़ा सा डार्क येलो नज़र आ रहा है ये पाँच कनाल के प्लाट्स के लिए है। ये जो ये कलर है और यहाँ पे बाकी चार कनाल के प्लॉट्स हैं जो गुलबाग में टोटल बनते हैं और अगर इन टोटल बात की जाए गुलबाग में नंबर ऑफ प्लॉट्स की तो 367 प्लॉट्स बनते हैं गुलबाग के हवाले से मैंने एक वीडियो पहले ऑलरेडी बनाई है ब्लॉग ए के हवाले से जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और ब्लॉक बी की बात करें इसके बाद फिर आ गया था सेकेंड ब्लॉक बी ब्लॉक बे बी में उसी तरह सेम दस कनाल पाँच कनाल चार कनाल के प्लाट्स हैं और शुरू में जो मेन बुलेवर्ड पर कमर्शल्स हैं और उनके बाद आगे यहाँ पे दस किनाल, पांच पांच किनाल, दस कनाल पाँच पाँच कनाल दस कनाल पाँच कनाल और ये टेलिनोर का हेड ऑफिस है, है मेन जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है और इसके साथ ये वाले जो प्लाट्स हैं कुछ यहाँ पे चार कनाल के प्लाट्स हैं मोस्टली जो फार्म हाउसेज़ हैं चार कनाल के वो बी एक्सटेंशन में है बी एक्सटेंशन थोड़ा सा आगे मैं आपको ये बी एक्सटेंशन है ये बी ब्लॉक है और ये बी एक्सटेंशन है और यहाँ पे सारे मोस्टली जो चार कनाल के प्लॉट्स हैं यहाँ पे आप नंबर देख लें और यहाँ पर देख लें काफ़ी डिफरेंस है उसके बाद सी ब्लॉक की बात करते हैं सी ब्लॉक में भी उसी तरह दस कनाल पाँच कनाल चार कनाल के प्लाट्स हैं और इन दस पाँच और चार कनाल के प्लाट्स के भी डेवलपमेंट रेशियो की बात की जाए तो ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट डिवेलप्ड है यानी कुछ प्लाट्स हैं जिनकी कटिंग रहती है यहाँ पर लिमिटेड से प्लाट है बाकी मोस्टली प्लॉट जो हैं डेवलप्ड हैं और पोजेशनेबल हैं यहाँ आप देख सकते हैं इनफैक्ट ये खुद आप घर बैठ के भी गूगल अर्थ पे ख़ुद भी टैली कर सकते हैं कि कौन से प्लॉट डेवलप्ड हैं और कौन से नॉन डेवलप्ड हैं इनफैक्ट ये अगर आप जूम इन करके देखें तो आपको पूरे गुलबाग की स्ट्रीट्स का भी एग्जैक्ट लेआउट प्लान नजर आ जाएगा कि कौन से स्ट्रीट पे फार्म हाउस डेवलप्ड है अब फार्म हाउस में बेसिकली जो कवर्ड एरिया आपको अलाउड होता है मैंने पहले वीडियो में जिक्र किया था एटी ट्वेंटी होता है यानी आपने ट्वेंटी परसेंट कवर रखना होता है बाकी आपने एटी फिफ्टीन फीट असाइड ट्वेंटी फाइव फीट बैक और सेवेंटी फाइव फ़ीट फ्रंट ये आपने ओपन छोड़ना होता है और बाकी आपने एरिया कवर रखना होता है ये होगी ब्लॉक ए बी सी की बात उसके बाद चलते हैं ब्लॉक डी पे ब्लॉक डी इसी मेन जो मेन यहाँ से एंट्रेंस से लेके यहाँ तक जितनी मेन बलिवेट की वेट है वो बनती है 220 फीट जिसमें साइड्स पे यहाँ पे कमर्शियल्स हैं और यहाँ पे आगे 168 कनाल का प्लॉट है जो बेसिकली प्लॉट रिजर्व है फाइव स्टार होटल और यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे 200 हंड्रेड कनाल टू हंड्रेड कनाल के दो मेगा मॉल्स के प्लाट हैं इन तीनों प्लॉट्स पे भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई तो टिल द टाइम सी ब्लॉक इज़ द ओनली ब्लॉक जिसमें प्राइवेसी सबसे ज़्यादा मिलती है फार्म हाउस में ए और बी ब्लॉक में प्राइवेसी कंसर्न्स हैं क्योंकि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग आ जाती है नेक्स्ट इज ब्लॉक डी और ब्लॉक डी में फिर उसी तरह यहाँ से आप एंटर हुए यहाँ से लेकर एंड तक जब ब्लॉक डी में पहुँचते हैं तो ब्लॉक डी में आके दो एक्सेस रोड हैं एक रोड बेसिकली लिंक करता है ब्लॉक डी को विद बी एक्सटेंशन जिस रोड की विर्थ मैं आपको दिखाता हूँ पाइन एवेन्यू रोड की विथ है वन फीट और इसमें यहाँ पे बी एक्सटेंशन में मैंने पहले बता दिया कि प्लॉट जो हैं वो सिर्फ चार किनाल और पाँच किनाल के प्लॉट्स हैं और ये जो हाई लग्जरी काउंडोस लिखा हुआ है यहाँ पे बेसिकली इस वक्त अपार्टमेंट्स बन रहे हैं जो बेसिकली 14 बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे सेपरेट uh, क्लस्टर्स हैं और यहाँ पे 14 बिल्डिंग में जो अपार्टमेंट्स हैं वो एक ही कंपनी बना रही है जिसका नाम है करा करूँ ग्रीन्स और यहाँ पर अपार्टमेंट्स अभी दो टावर्स हैं जिन जिनपे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और फिर बात ब्लॉक डी करते हैं तो ब्लॉक डी सबसे बड़ा ब्लॉक है ओवरऑल पूरे गुलबर्ग ग्रीनस में सबसे बड़ा ब्लॉक इसलिए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्लाट्स हैं अगर हम ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ़ प्लाट्स देखें तो जाके ऑलमोस्ट सेवन फोर्टी एट सॉरी सेवन सिक्सटी टू प्लॉट्स बनते हैं टोटल ब्लॉक डी में और काफ़ी बड़ा नंबर बनता है प्लॉट्स का फार्म हाउसेज़ के लिहाज से यानी चार पाँच और दस किनाल के प्लाट्स हैं और सबसे बड़ा ब्लॉक बनता कर तो है और ब्लॉक डी की अगर बात करें डेवलपमेंट रेशियो की तो ब्लॉक बी पार्शली डिवेलप है और पार्शली नॉन डिवेल्प है मैं अगर एक्सप्लेन करता हूँ कि ब्लॉक बी में यहाँ पर सेंट्रल पार्ट है जैसे ये वाले प्लाट्स हैं टू फिफ्टी एंड 261, 262 ये नॉन डेवलप्ड है और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है 251, 252, वन टू ये भी नॉन डेवलप्ड है यूँ कर देते हैं बल्कि काफ़ी तक आइडिया होगा कि प्लॉट नंबर वन 192, 193 थ्री ये डेवलप्ड है और आगे 194 से स्टार्ट होता है नॉन डिवेलप अप टिल 304, 305 ये नॉन डेवलप्ड है और बीच में ये जितने प्लॉट्स आते हैं सेंटर में ये जो प्लॉट्स हैं ये जो रेशो सारी ये जो सारी ब्रैकेट है ये सारी नॉन डेवलप्ड है और बाकी ब्लॉक डी में कुछ डिवेलप्ड है और ये इस रोड की जिसका रोड का नाम है लेक एवेन्यू ईस्ट इसकी रोड की सराउंडिंग में कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो जिनका काम हो गया है जैसे ये वाले प्लॉट्स हैं मेन रोड के ऊपर और कुछ यहाँ पे प्लॉट्स हैं का डिवेलपमेंट काम हो गया है बाकी इस तरफ जो प्लॉट्स हैं जो यहाँ पे बेसिक गोल्फ कोर्स इसके सामने ब्लॉक डी के ऑपोजिट साइड पर यहाँ पे गोल्फ कोर्स है तो ये गोल्फ कोर्स फेसिंग यहाँ पे कुछ प्लाट्स हैं ये भी नॉन डेवलप्ड हैं बाकी ब्लॉक डी में ये शुरू वाले जो प्लाट हैं यानी ये वाले जितने मेन रोड के प्लाट्स हैं और फिर ये वाले जितने प्लाट्स हैं फिर ये वाले जितने प्लाट्स हैं ये वाले जितने प्लाट्स हैं ये वाले तमाम प्लाट्स डेवलप्ड हैं यहाँ से आगे नॉन डिवेल्प शुरू हो जाते हैं मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ब्लॉक डी में कौन कौन से प्लॉट डेवलप्ड हैं कौन से नॉन डेवलप्ड हैं एंड सो फॉर एंड सो ऑन अब आगे देखते हैं जी ब्लॉक डी से अपोजिट साइड पर बनता है ब्लॉक ई जिसमें प्लॉट्स की वही तादाद है चार कनाल पाँच वही डायमेंशनज हैं चार कनाल पाँच कनाल दस कनाल और इसमें अगर ब्लॉक ई में हम टोटल नंबर ऑफ प्लाट्स देखें तो बंदा टू हंड्रेड फिफ्टी प्लाट्स जिसमें चार कनाल पाँच कनाल और दस कनाल के प्लॉट्स हैं शुरू में कुछ प्लॉट्स हैं जो मेन रोड के ऊपर ये दस कनाल के प्लाट्स हैं फिर फाइव कनाल के डार्क लाइट येलो एंड डार्क ऑरेंज कह लें या डार्क येलो कह लें वर के में भी ये जो प्लाट्स बनते हैं ये चार कनाल के प्लाट्स बनते हैं और यहाँ पर ब्लॉक डी और ब्लॉक ई खत्म होने के बाद इस एरिया से इस एरिया के दरियान में ये बेसिकली ग्रीनस का प्रिवसिस भी नहीं है और रेजिडेंशिया की भी नहीं है तो ये स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट है नॉलेज विलेज है यहाँ पर इस वक्त जो आई के अपार्टमेंट्स हैं उनके जो एम्प्लॉज़ को मिलने वाले अपार्टमेंट्स हैं वो बन रहे हैं और काफ़ी स्पीड से इन अपार्टमेंट में अभी रिसेंट इयर्स में काम हुआ है पहले तो काफ़ी ज़्यादा स्लो थे और इसके अलावा फिर आगे गुलबर्ग रेजिडेंशिया स्टार्ट होता है जिसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दोबारा मैं आपसे बना दूंगा जिससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँ कि मैप से ही ओवरऑल जो गुलबाग रीनस की तमाम जितनी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ इसमें एक चीज़ में मिस कर गया है, है कमर्शियल सेंटर्स अब एंटर होते हैं स्टार्ट से हाईवे से लेकर सबसे पहला जो कमर्शल सेंटर आता है वो आता है गुलबग सिविक सेंटर मेन रोड की लेफ्ट साइड पे दूसरा कमर्शल सेंटर आता है यहाँ पे बिजनेस पार्क यहाँ पे गुलबाग बिजनेस पार्क और यहीं पे सडी का अपना मेन हेड ऑफिस है ये जो बिल्डिंग पे मैं मार्क कर रहा हूँ ये सैड का हेड ऑफिस है और यहाँ पे बाकी ऑफिस हैं यहाँ पे बैंक्स भी हैं और प्लस जितने यहाँ पे स्टेट एजेंट्स हैं उनके ऑफिस है हमारा ऑफिस भी यहीं पर है और बाकी ये मेन बुलवर्ड पर भी सारे कमर्शियल हैं और यहाँ पर आगे सेकेंड कमर्शियल जो हब हाँ बनती है वो बनती है यहाँ पे बिजनस स्क्यर में सेकेंड ये बनती है सॉरी गुलबर्ग सिविक सेंटर यहाँ पर गुलबर्ग बिजनस पार्क एंड थर्ड कमर्शल हब इज़ बिजनस स्क्यर यहाँ पे जो मेजर बिल्डिंग्स हैं जितने प्रोजेक्ट्स हैं तकरीबन सारी कंप्लीट हैं और यहाँ पे सेंटर में इस जगह पे वन पे अपार्टमेंट्स प्लस कमर्शियल्स यहाँ पे जो है सब चाय खाना ओपन है बाकी काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट या मेन स्ट्रीम रेस्टोरेंट जितने हैं वो ओपन है और बाकी मेन बुलेवर्ड पे यहाँ से लेके स्टार्ट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सिर्फ कमर्शियल प्लॉट्स हैं फ्रेंड्स दिस वाज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको गुलबर्ग में सेल परचेज के वाले से कोई मालूमा चाहिए तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें इस वांचिमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक तो के लिए खुदा हाफिज़